नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए अपने इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में दोस्तों बहुत से लोगों ने मुझे कहा था सर एफसीआई महाराष्ट्र के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें दे दिए मैंने तीन सेट दिए थे और तीनों में दस, दस, दस क्वेश्चन एक में पंद्रह क्वेश्चन और एक में दस क्वेश्चन बताए थे तो कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे उन्हें भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं एफ महाराष्ट्र पंद्रह अक्टूबर में पूछे गए कुछ प्रश्नों को तो उन्हें मैं सोल्व करके भी आपको बताऊंगा ठीक है तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं निवेदिता निवेदिता करिश्मा से लंबी है करिश्मा काजल से छोटी है विमल काजल से लंबी है लेकिन निवेदिता करिश्मा से छोटी है तो सबसे छोटा कद किसका ठीक है तो इसमें एक चीज देते हैं तो हमें समय कम होता तो एक चीज बना निवेदिता करिश्मा से लंबी है ठीक है तो यहाँ पे एक निवेदिता बना देते हैं निवेदिता ये निवेदिता हो गई ये हमारी करि ये इतनी लंबी है तो करिश्मा से लंबी है तो करिश्मा हमारी एक हो गई यहाँ तक तो ये इससे लंबी है निवेदिता तो ये हमारी करिश्मा हो गई ठीक है अब क्या है करिश्मा काजल से छोटी है ठीक है करिश्मा जो है काजल से छोटी है अब ये काजल एक और है काजल ये करिश्मा से भी छोटी है और क्या पूछा विमल काजल से लंबी है अब काजल ये है विमल कोई विमल आ गई ये काजल से लंबी है विमल ये काजल से थोड़ी सी लंबी है ठीक है लेकिन निवेदिता करिश्मा से छोटी है लेकिन निवेदिता करिश्मा से छोटी है ठीक है तो यहाँ पे छोटी बोला है ठीक है तो छोटी मतलब एज हो गया लंबाई यहाँ पे इतनी है ठीक है तो इसमें पूछ रहा है तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप काजल का कद सबसे छोटा है तो काजल यहाँ पे सही है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ये यहाँ पे पासे दिए हुए हैं तो पासो में डी के विपरीत क्या होगा मैंने अभी पासे का एक वीडियो बनाया है आप उसे देख सकते हैं ठीक है तो उसे आप सोल्व करेंगे तो आप अगर आसानी से आपका ई आ जाएगा ठीक है डी के विपरीत हमारा डी के विपरीत हमारा ई होगा तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ सही है नेक्स्ट क्वेश्चन अंकुश दहिया किस खेल से संबंधित है अंकुश दहिया हमारे बॉक्सिंग खेल से मुक्केबाजी बॉक्सिंग खेल से संबंधित है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 18 परसेंट जीएसटी के साथ एक मोबाइल खरीदने पर आठ हजार दो का पड़ा ठीक है तो उस मोबाइल की कीमत बिना जीएसटी के क्या होगी ठीक है तो चलिए सोल्व करते हैं अठारह जीएसटी के साथ एक मोबाइल खरीदा गया अठारह परसेंट जीएसटी के साथ मोबाइल खरीदा गया आठ हजार दो सौ नब्बे रूपए पड़ा ठीक है तो बिना जीएसटी के मोबाइल तो हमारा देखते हैं अठारह परसेंट जीएसटी है तो आठ हजार दो सौ नब्बे रुपए का तो हम इसमें से अठारह परसेंट जीएसटी पहले देखते हैं कितना लगा अठारह बटे हंड्रेड कर देंगे तो अठारह परसेंट जीएसटी निकालेंगे तो हमारा यहां से ये कट गया ठीक है अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा बत्तीस नौ सौ बाईस बटे दस अब इसका दस का भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा बत्तीस नौ बाईस दो अब क्या करना है यह अट्ठारह परसेंट हमारा लगा था इस इस प्राइस में ठीक है तब तो जोड़ के हमारा हुआ था कितना आठ हजार दो सौ नब्बे अब हम क्या करेंगे अब आठ हजार दो सौ नब्बे दो सौ नब्बे माइनस बत्तीस सौ दो माइनस कर देंगे तो जीएसटी हमारी माइनस हो जाएगी तो यह हमारा आंसर आ जाएगा चौदह नौ नौ सात दस अस्सी ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरीके से हमारा ये आंसर सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीन लगातार विषम संख्या का जोड़ चार सौ उनसठ हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है तीन लगातार विषम संख्याओं का जोड़ चार सौ उनसठ हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है तो ठीक है तो हम मान लेते हैं कोई विषम संख्या यक है कोई विषम संख्या ख्याक्स मान लिया तो उनका जोड़ अब विषम संख्या है ये, 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 ये है तीन मान लीजिए विषम संख्या कोई तीन है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा सम हो जाता है ठीक है इसलिए हम उसमें दो जोड़ेंगे और लगातार तो है 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 ठीक तो तो माना ये हमारी दूसरी विषम संख्या प्लस यक्स प्लस सिक्स हमारी तीसरी विषम संख्या क्या बोला है इनका जोड़ कितना है इनका जोड़ चार सौ उनसठ है चार फाइव नाइन अब इसको हम सोल्व कर देंगे ठीक है आसानी से सोल्व हो जाएगा तो ये तीन एक्स है तीन एक्स प्लस चार पाँच छ चार छ चार दस दो बारह ठीक है ये बारह हो गया ठीक है ये हमारा हो गया थ्री एक्स प्लस छह चार दस दो बारह बराबर फोर फाइव नाइन ठीक है अब हम थ्री एक्स बराबर बारह को उधर जाएंगे फोर फाइव नाइन माइनस बारह ये हमारा हो जाएगा थ्री एक्स बराबर फोर फाइव नाइन बारह घटाएंगे फोर 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 सेवन हो जाएगा ठीक है चार सौ सैंतालीस हमारा हो जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे थ्री को उधर जाएंगे तो एक्स बराबर फोर फोर सेवन बटे थ्री तो ये हमारा वन टाइम जाएगा ये चार तीन चौक बारह टू टाइम तीन चौक बारह फोर टाइम जाएगा फिर इसमें से दो कॉमन बचेगा फिर तीन नौ सत्ताईस नाइन आ गया ठीक है अब हमने पहली संख्या क्या, क्या माना था x प्लस टू तो हमारा x प्लस टू कितना हो गया पहली संख्या हो गई पहली संख्या बराबर x प्लस टू फोर वन फोर नाइन तो हमारा हो गया वन फोर नाइन प्लस टू वन फाइव वन ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट संख्या क्या हो गई एक्स प्लस फोर बराबर हमारा हो गया एक सौ उनचास में फोर एड करेंगे वन फाइव थ्री और तीसरी संख्या हो गई एक्स फाइव एक्स प्लस सिक्स हमारा वन फोर नाइन प्लस सिक्स हमारा कितना हो गया एक सौ पचपन तो हमारा सबसे बड़ी संख्या पूछा था तो हमारा एक सौ पचपन आ जाएगा आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधार 6 सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल काम ऊंचाई पूछा है और क्षेत्रफल दिया आधार दिया ठीक है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमें पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटे दो गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई ठीक है तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया तीस दिया है ठीक है और आधार दिया छह सेंटीमीटर एक बटे दो गुड़े आधार हमारा छह दिया है और ऊंचाई हमें निकालनी है ठीक है तो ये हमारा दो से तीन टाइम कट जाएगा और ऊंचाई बराबर हमारा हो जाएगा तीस बटे तीन ये हमारा टेन टाइम जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा टेन ठीक है यहां से हमारा ये टेन सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर दो सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एस, एक कक्षा अच्छा में एक छात्र हैं इनमें बावन छात्र आई में करियर करना चाहते हैं तथा चौसठ छात्र अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं बीस छात्रों को दोनों में रुचि ठीक है दोनों में रुचि न रखने वाले छात्र हम इसको ऐसे ही बता देते हैं टोटल छात्र एक सौ बीस है इसको एक जगह लिख लीजिए फिर इनमें बावन छात्र आई आई टी में बावन आई आई टी वाले हैं और चौसठ अंतरिक्ष वाले ठीक है, है अब बीस छात्रों को दोनों मिर्चु ठीक है बीस को दोनों मिर्चु है तो दस आई आई टी में होंगे और दस अंतरिक्ष में होंगे तो दस हम किस में से बावन में से घटा देंगे और दस चौसठ में से घटा देंगे तो जो बचेगा उसको एक सौ बीस में से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना हमारा आ जाएगा ये ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर हमारा ये आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सालारगंज संग्रहालय कहा स्थित है सालारगंज संग्रहालय यहां ऑप्शन दिया था हैदराबाद कोलकाता लखनऊ सालारगंज सालारगंज संग्रहालय है हैदराबाद में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा बाद सबसे ऊंचा टिहरी बाद, बाद है ठीक है कृषि उत्पादन पर जोर दिया गया कृषि उत्पादन पर तृतीय पंचवर्षीय में पूरा जोर दिया गया तो ये दस क्वेश्चन ए एफ सी आई पंद्रह अक्टूबर महाराष्ट्र के एग्जाम के और दस क्वेश्चन आपके लिए मैं कल तक दे दूंगा ठीक है देखते रहिए एग्जाम टिप्स एंड जो वीडियो पसंद है लाइक करना थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय